गढ़ीसर लेक की बात, अब हम शानदार जैसलमेर किले में प्रवेश कर चुके हैं जो जीवित किलों में से एक है। यह दुनिया का दूसरा सबसे पुराना किला है। 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने बनवाया था। अब हम प्रवेश कर रहे हैं राजा के महल में। प्रवेश करने पर टिकट लेने की एक फॉर्मेलिटी है। टिकट लेने के बाद हम महल के दर्शन के लिए पहली फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की वंशावली, जैसा कि आपने देखा है, इंग्लिश पूरा बोर्ड है जिसमें वंशावलियां लिखी हुई हैं। इसकी छतें शहतीर और लकड़ी की बनी हुई हैं। अब हम इस म्यूजियम में पहुंचे हैं जहां पे एक सिंगल पत्थर से बनी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं। इनकी नक्काशी बहुत ही सुंदर है, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब हमारे कदम राजगुरु की हवेली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये राजगुरु की हवेली है और इसके अंदर की कुछ सीनरी और इसके पूरा आर्किटेक्चरल शेप अंदर से आपको देखने को मिलेगी। ये हाउस के एक्टर को डेकोरेट कर दिया है, समझे ना। इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी आपको पूरा गोल्डन फील देखने को। ये वाला स्टोन है फॉसिल, सी फॉसिल जो बताया आपको, इस तरीके को बदलता है, नेगेटिव को पॉजिटिव पे एनर्जी लाता है। और पुराने बर्तन रखे हैं कलेक्शन करके, ठीक है। और ये है पूरा ग्रामीण कल्चर, ये जर्मन सिल्वर, राइस वॉट मथानी, बर्तन। और ये जो मूवी कैमरे है, वाटर गन, अभी भी हमारा होली जो होता है राजा की शादी खेलते हैं हम लोग, पिचकारी हमने हमारे की पिचकारी है, ये अतरदानी है, ये मूवी कैमरे, टेलीफोन होल्ड, ये रवि वर्मा का आर्ट चेंज हो जाता है उसका, हरा नीला पीला सफेद, ये है ना, तो शो के लिए दिया गया है। दंगल के जो गाने हैं ना, यहाँ के कलाकारों ने गाए थे, ये बसता है मुंह से, ये करता, ये रावण था। राजगुरु की छत से हमें जैन मंदिर दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों ही जैन मंदिर, ये सारे जैन मंदिर बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और हमारे कदम अब जैन मंदिर की ओर बढ़ने लगे हैं। हम बड़े इच्छुक हैं जैन मंदिर से देखने के लिए, और ये मैं इशारा करते हुए जैन मंदिर की ओर, और जैन मंदिर में हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमें सुख संपत्ति और शांति देना। Thank you.
जैसलमेर फोर्ट के किले के अंदर ये तीन जैन टेंपल यहाँ बने हुए हैं, जिसमें से एक का मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत इसकी कार्विंग अति सुंदर है। भगवान महावीर, इसमें ऐसा लगता है जैसे भगवान महावीर का सब कुछ यहीं पे हो। बहुत ही अति सुंदर कार्विंग। आप तीनों को देख सकते हैं। इस तीन मंदिर को बनने में 15 साल लगे थे मिनिमम। और इनका मुख्य उद्देश्य हम जैसलमेर किले के अंतिम पड़ाव पर हैं और तीसरे और अंतिम जैन मंदिर में चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करेंगे। और इसके बाद हम सीधे यहां से प्रस्थान करेंगे रेतीले धोरों के लिए, जहां पर हम आपका जहां पर आप हमारे साथ भरपूर मनोरंजन व धोरों का लुत्फ उठा पाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ रेतीले धोरों के पर मौज मस्ती करने के लिए।